हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइव विद तन्वी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपी जो है कुरकुरी भिंडी की। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है 500 ग्राम भिंडी। इसको आप अच्छे से धो के सुखा के अच्छे से काट लीजिए। और उसके बाद मैंने 500 ग्राम लिए हैं, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, हरी मिर्च चॉप करके ली है, आप चाहे तो इसकी जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा और अमचूर। अमचूर से इस भिंडी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल, इसमें मैंने ऐड किया है जीरा। इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, इससे बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसका रॉ टेस्ट भी निकल जाएगा। अब इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अभी इसी स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा कुक करेंगे, बस 5 से 10 सेकेंड कुक करने के बाद अब हम इसमें अपनी कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे। इस टाइम पे अपनी फ्लेम को लो रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें अपनी भिंडी ऐड कर दी है और इसको एक अच्छा सा सॉटे करेंगे, अच्छा सा इसमें अपने मसाले पूरी तरह से हम इसमें कोट कर लेंगे। और इसको हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको हम ढक्कन लगा के कुक नहीं करेंगे, उससे इसमें जो कुरकुरापन है वो नहीं आएगा और हमारी भिंडी करारी नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसे हम बिल्कुल ढक के नहीं पकाएंगे। अब इसी स्टेज में हम इसमें नमक ऐड करेंगे, मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे और इसे बिना ढक्कन के ही कुक करेंगे। इसमें लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। और अब जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी आप देखेंगे कि इसका कलर हल्के ग्रीन से थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, जिसका मतलब है कि ये अच्छे से कुरकुरी होने लगी है। अब हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये पकता है थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाता है। यही इसी टाइम पे हम इसमें अमचूर भी ऐड कर देंगे और इसको फिर से एक बार सॉटे करेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बस लगभग हमारी भिंडी तैयार हो ही गई है। इसमें सिर्फ 5 मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे, तेज़ आंच होगी तो ये करारी नहीं जल जाएगी। बस हमारी भिंडी देखिए बनके तैयार हो गई है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है। अब जब चाहें आसानी से इसे कुक कर सकते हैं, घर पे सबको खिलाइए, कोई गेस्ट आए तो उसके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना